मेरा प्रणाम भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा प्रश्न है कि हम हिंदू लोग क्यों बहुत सारे देवता संकल्प में ढूंढ रहे हैं, हम बहुत सारे देव विश्वास रहते ही आगे चल रहे हैं। ईसाई लोगों के लिए एक ही भगवान है, मुसलमानों को भी एक ही है, सभी रास्ता में चलने वाले धर्म संकल्प में एक ही भगवान की रूप भाव है, लेकिन हिंदू लोगों के लिए इतना भगवान इतना ईश्वर संकल्प की जरूरत क्या है? मैं आपके जवाब के लिए ऐसा उत्तर देना चाहता हूं कि भारत में भी देवता संकल्प एक ही है। आपके लेवल तो बहुत आगे बढ़े गए, तो आप भी मालूम करना, हमारे वेद में ऐसा बताया है कि एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता, भगवान एक ही है, सर्व चराचर में वही भगवान रहते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, परम तत्व परम सत्य एक ही है। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे रीति में भाषण देते हैं, जैसे एक फूल लोग बहुत प्रकार की विवरण देते हैं, विस्तार करते हैं इसको, ठीक उसी प्रकार एक ही भगवान को विवरण बहुत सारे लोग अपने अपने भाषा में देते हैं, अपने अपने रूप में देखते हैं। उसके लिए स्वतंत्र भी है हम लोग। सो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इसका मतलब यह है कि सत्व और तत्व, सत्य और तत्व एक ही है। आत्मिक लोग इसको जैसे जैसे देखते हैं उसी प्रकार देखने के लिए आराधना करने की स्वतंत्रता भी है उन्नवन के लिए। तो हमारे वेद में ऐसा बताया है कि विश्वतः चक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वतः पाद तम बाहुभ्याम नमादि संपदत्रयहि द्यावा पृथ्वी जनयन देवयेका, द्यावा पृथ्वी जनयन देवयेका। जो ईश्वर ने हमारे पृथ्वी की निर्माण किया है, वही ईश्वर ए प्रपंच में जो जो सेलेस्टियल बॉडीज है सभी की निर्माण किया है, सभी चीजें सभी ग्रहों में सभी नक्षत्रों में वही ईश्वर है। जनयन देव ये कहा, जनयन जो ईश्वर उसके निर्माण क्या है, देव एक कहा, एक ही है। तो हमारे हिंदू देवता संकल्प में ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, सत्य एक है, तत्व एक है, उसमें कोई फर्क की राय नहीं है, मतभेद नहीं है। लेकिन हमारा लेवल तो नीचे है, तो उतना ऊपर नहीं गया, तो हम लोग के लिए अलग अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग रास्ते में चलना पड़ेगा। अलग अलग रास्ते में चलते वक्त हम सोचते हैं रास्ता ही है मार्ग, रास्ता ही है लक्ष्य। रास्ता लक्ष्य नहीं है, मार्ग लक्ष्य नहीं है। मार्ग तो आप लोगों के लक्ष्य की ओर चलाते हैं, लेके जाते हैं। तो मार्ग बहुत सारे विविध देवता संकल्प है। मार्ग अंग्रेजी में ऐसा बताते हैं पॉलीथिज्म है। सो अलग अलग मार्ग अलग अलग लोगों के लिए जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उसके लेवल तो डिफरेंट है। एक आदमी तिरुवनंतपुरम आने के लिए कोशिश करते हैं, तो या एक आदमी तो दिल्ली जाने के लिए कोशिश करते हैं, वो आदमी तो तिरुवनंतपुरम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, कलकत्ता से स्टार्ट करते हैं, जयपुर से स्टार्ट करते हैं, मुंबई से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो अलग अलग रास्ता में चलना पड़ेगा, एक ही रास्ता में नहीं है। तो आदमी जो आदमी है मुंबई से स्टार्ट हो रहा है, उसका गाड़ी डिफरेंट है, रास्ता डिफरेंट है, रेल डिफरेंट है, किराया डिफरेंट है। वही एक दूसरा आदमी भुवनेश्वर से दिल्ली जाने के और यात्रा करते हैं, तो उसका गाड़ी डिफरेंट है, किराया भी डिफरेंट है, रास्ता डिफरेंट है, टाइम अलग है, शुरू करने वाली टाइम और पहुंचने की टाइम भी अलग अलग होगा। ठीक उसी प्रकार है हिंदू धर्म में, आप एक देवता की उपासना करना चाहते हैं तो वही देवता की उपासना करो,
बाद में आगे चलना है तो चलो, तो आप लास्ट पॉइंट में पहुंचने चाहते हैं तो आकाशात पतितं तोयम् यदा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। सभी ईश्वर संकल्प एक ही परम सत्य की ओर ही चलाते हैं, चलते हैं। आप किसी में बात, किसी मार्ग रास्ता आप चुन लो। सरस्वती के रूप में चुन सकते हैं हमको, लक्ष्मी के रूप में, परमेश्वर के रूप में, सत्य नारायण के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विघ्नेश के रूप में, हनुमान के रूप में, या श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्री कृष्ण वामन, कोई भी होने दो। हर एक रूप संकल्प में एक संदेश भी है। उधर तक जाके आगे चलना पड़ा, आप चाहते हैं तो आगे चलना चाहिए। मैं तो आगे चलने के लिए नहीं चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, लेकिन मेरा गाड़ी जब भोपाल पहुंच जाए मैं भोपाल में उतारना चाहता हूँ कि आगे नहीं चलना चाहता हूँ। भोपाल में मैं घर बनाकर मैं जो उतरे उधर ही रहना है तो उधर रहने दा, रहने दो, कोई बात नहीं है। आप दिल्ली की ओर जाते हैं, आप दिल्ली में जाके उधर ही रहना, कोई भी नहीं बोलेगा आपसे। आपका फ्रीडम है दिल्ली जाने के लिए या नहीं जाने के लिए, दिल्ली तक जाने के लिए और आधा रास्ता जाकर वापस आने के लिए भी फ्री, आपको स्वातंत्र है, आप स्वतंत्र है। तो हमारे जिंदगी में मंशा है कि ईश्वर संकल्प भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। क्यों बोले तो हम लोग विविधता में एकता देखने चाहते हैं। वैविध्य लोग है, ये वैविध्य दुनिया है। आप तो फूलों को देख लीजिए, आप मालूम कर सकता है हर हर फूल डिफरेंट है, हर पुष्प में फर्क है, हर पत्ते में फर्क है, हर पौधे में फर्क है, हर जानवर में फर्क है। एक ही जानवर के ऊपर भी हर ऑर्गेन्स फर्क है। वो हमारे पैर जैसा है उसी प्रकार नहीं है हाथ, हाथ के जैसे हाथ में कैसा पांच उंगलियां हैं, हर उंगली में फर्क है। आपके शरीर में हर ऑर्गेन, हर टिश्यू, हर सेल में भिन्नता है। ठीक उसी प्रकार अब तो खाने के लिए जो करी की सिलेक्शन करते हैं, जो गाना विभव की सिलेक्शन करते हैं, वो भी भिन्न है। हर मिठाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है। हर चपाती की टेस्ट डिफरेंट है, पराठा की टेस्ट डिफरेंट है, नान की टेस्ट डिफरेंट है, सूखा रोटी की टेस्ट डिफरेंट है। आप टेस्ट में, स्वाद में तो फर्क आप भी एंजॉय करते हैं तो आप मालूम कर सकते हैं। हर घर डिफरेंट है, हर शहर डिफरेंट है, हर गांव डिफरेंट है, हर आदमी डिफरेंट है, हर ड्रेस डिफरेंट है। मैंने इतना उदाहरण आपके दिया क्यों बोले तो आप मालूम करना है। ह्यूमन बीइंग, आत्मीय लोग अपने अपने इस्तेमाल करने वाली वस्तु की भिन्नता में आनंद पाते हैं। तो जब हम आनंद पाने के लिए भिन्नता की स्वीकार करते हैं, ठीक भगवान की सुनने के लिए भी, भगवान की देखने के लिए भी, आराधना करने के लिए भी आपको विविध रूप भाव से आराधना कर सकते हैं। लेकिन आप मालूम करना है, त्वम यमः त्वम विष्णुः त्वम पुरुषः त्वम वैश्वानरः त्वम इन्द्रः त्वम अग्निः त्वम विष्णुस्त्वम पुरुषः परा। सभी सभी ईश्वर की भाव रूप एक ही है, एक ही ओर हमारे को लेके जाते हैं, एक ही ओर चलाते हैं हमको। मतलब यह है परम लक्ष्य एक है, मार्ग भिन्न है। सो हमारे बारे में, भारतीयों के बारे में ऐसा बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा आचार विचार विश्वास संकल्प भी भिन्न होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लक्ष्य भी एक ही है, मार्ग भी भिन्न होने दो। आराधना करने की भाषा की भिन्नता होगी और रूप भाव की भी भिन्नता होगी, वो भी भिन्न होने की संभावना है। सभी हिंदी में आराधना करते हैं, तमिल में आराधना करते हैं, मलयालम में भी आराधना करते हैं, वेद मंत्र भी अभी तमिल में भी
इसका चैंटिंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसके बारे में प्रतिषेध नहीं करेगा। क्यों बोले तो हमारा फ्रीडम है वो। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल विविध ईश्वर संकल्प की आराधना कीजिए। कोई पॉलीथिज्म के बारे में बताते हैं, लेकिन हम हिंदू लोग मोनोथिज्म फॉलो करते हैं, एक ही भगवान है, तो वही भगवान लक्ष्य है, पूरा ईश्वर संकल्प मार्ग है। आपको आप मालूम कर सकते हैं, हर फिल्म फर्क है, फिल्म में डिफरेंट है, फिल्म स्टोरी डिफरेंट है, फिल्म म्यूजिक डिफरेंट है, फिल्म सॉन्ग डिफरेंट है, हर एक एक्टर में डिफरेंस है, तो प्रोड्यूसर में डिफरेंस है, गाना संविधायक के बारे में भी डिफरेंस है। तो जहां जहां आप देखते हैं, सुनते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, आप सोचते हैं, उधर बिल्कुल डिफरेंस है। इसी प्रकार डिफरेंस है तो ईश्वर संकल्प आचार विचार में भी डिफरेंट होना ही चाहिए। आप सब एक ही रूप, एक ही भाव की ईश्वर की संकल्प करना, पूजा करना, कोई आदमी ऐसा बताने के लिए नहीं है। हिंदू धर्म ऐसा एक आदमी नहीं होना भी चाहिए। हम तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही जीना है, स्वतंत्र के रूप में हम इधर आए, स्वतंत्र के रूप में हम जीकर स्वतंत्रता से ही हम इधर से वापस जाना पड़ेगा। उस स्वातंत्र में हमारे अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर की स्वीकार करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो हमारा हिंदू धर्म की पॉलिथिज्म साइंटिफिक है, लॉजिकल है, रैशनल भी है, वो वैज्ञानिकों को भी मालूम कर सकता है, उसमें युक्ति है। ठीक उसी प्रकार बुद्धि के रूप में आपको इसके विशकलन करना भी तकलीफ की बात नहीं है। मेरा प्रणाम।